नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का फाइलम है हमारा फाइलम नाइडेरिया, इसको फाइलम सिरेनटेरा भी बोलते हैं। सिरेनटेरा जो है इसका ओल्ड नेम है, ठीक है। और नाइडेरिया बोला जाता है इनको निडोसाइट्स की निस्बत के साथ। निडोसाइट्स जो है वो इनके स्टिंगिंग सेल्स हैं जिसकी वजह से इनका ये नाम पड़ा। तो निडोसाइट्स, इनको निडोसाइट्स खास किस्म के सेल्स हैं जो कि नेमेटोसाइट्स की ही टाइप्स हैं। इनके बारे में अभी हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे, पहले हम इनके जो जनरल करेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो आपको इनके अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है, रेडियल सिमेट्री है या फिर बाय रेडियल सिमेट्री, दोनों तरह की आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम आगे देखेंगे, ये डिप्लोप्लास्टिक, आपको इसके अंदर टू लेयर ऑफ सेल्स मिलेंगी, एक है एंडोडर्म और एक है एक्टोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्म भी बोलते हैं और जो एक्टोडर्म है उसको एपिडर्मिस भी बोलते हैं। उन दोनों के दरमियान में आपको एक जेली लाइक मटेरियल मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम मेसोग्लिया भी बोलते हैं। कुछ के अंदर, इसके अंदर सेलुलर मटेरियल्स मौजूद होंगे, सेल्स मौजूद होंगे जिनको हम मेसेनकाइम सेल्स बोलते हैं, कुछ के अंदर मौजूद नहीं होंगे, जैसे कि आप आगे चल के अभी इसको भी देखेंगे, ठीक है। और आपको नर्व सेल्स भी इनके अंदर मिलेंगे। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी उसको बोलते हैं जिसकी वन ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, वही माउथ के तौर पे और वही इजेक्शन के लिए यूज होती है, इसलिए हम इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स भी मिलेंगे, जिनको जैसे कि मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रोसाइट्स हैं। और इसके अलावा आप इनके अंदर रफेलिया लेपर्स और रफेलिया और निडा, यहाँ पे एक सेल्स हैं, न्यूट्रोसाइट्स हैं। न्यूट्रोसाइट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स हैं जो कि डिफेंस, अटैचमेंट और फीडिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और निडा आप किसको कहते हैं, निडा अगर आप देखें तो ये एक, ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, लाइट पर्पल कलर का, ये क्या है, ये एक निडोसाइट है। इसके अंदर एक कैप्सूल होता है, ठीक है। ये अंदर जो आप देख रहे हैं ये एक कैप्सूल है, ठीक है। और ये कैप्सूल, इस कैप्सूल के अंदर आपको मिलता है ये एक स्ट्रक्चर जिसको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपको जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये नेमेटोसिस्ट है और ये कैप्सूल के अंदर मौजूद है। कैप्सूल के ऊपर कवर होता है जिसको हम अपर कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इधर अगर आप एक साइड पे देखें तो आपको निडोसिल मिलता है। निडोसिल जो है ये स्टिमुलेशन इसकी होती है, तो साथ ही क्या होता है कि ये फौरन से नेमेटोसिस्ट बाहर आ जाता है ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि जैसे ही निडोसिल को स्टिमुलेट किया जाएगा, फौरन से अपर कॉलम खुलेगा और वाटर रश करेगा इनटू द कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल के अंदर रश करेगा और साथ ही जिस तरह एक आप किसी स्वेटर को, या आप देखते हैं कि जिस तरह से आप किसी भी कपड़े को सीधा करते हैं तो उल्टी साइड सारी एक ही तरफ होती है, फिर आप एक साइड से उसको पकड़ के उसको अचानक से बाहर निकाल लेते हैं सारा, ठीक है। तो उस तरह से ये सारा अंदर से बाहर की तरफ अनफोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस तरह से जो नेमेटोसिस्ट है वो बाहर आ जाते हैं। और ये है कि 30 काइंड ऑफ नेमेटोसिस्ट को अभी तक डिस्क्राइब किया जा चुका हुआ है। एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर 6 तरह के नेमेटोसिस्ट मौजूद हो सकते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। इनमें आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको उनके अंदर मिलेगी जिनके अंदर आपको मेडूसी और पॉलिप स्टेजेस जो हैं वो एक के बाद दूसरी आती, ठीक है। उनके अंदर आपको ये स्टेज देखने को मिलती है। अगर आप पॉलिप और मेड्यूसी को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि जो मेड्यूसी है वो सेक्सुअल स्टेज है और जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल स्टेज है, ठीक है। और पॉलिप मूव नहीं करता, ज्यादातर सिसाइल रहता है, लेकिन इनके अंदर आपको जो है वो लोकोमोशन के मीन्स भी देखने को मिलते हैं काफी सारे, जैसे कि इंच वर्म लाइक मूवमेंट है, जैसे कि यहाँ पे सिसाइल भी ये मिलेंगे आपको, कुछ मूव भी करेंगे, ठीक है। समर सॉल्टिंग मूवमेंट्स भी होती हैं उनके अंदर और कुछ जो है वो इंच वर्म लाइक मूवमेंट्स भी करते हैं,
ठीक है। और अगर आप इनको देखें तो ये जो आपको रेडियल सिमेट्री वाले जितने भी जानदार हैं उनके आपको एंटीरियर पोस्टीरियर साइड नहीं मिलती, बल्कि आपको उनके अंदर ओरल और एबोरल पोल्स मिलते हैं, ठीक है, या एक्सेस मिलते हैं, ठीक है। तो इनका जो पॉलिप है माउथ ऊपर की तरफ होता है, जो एबोरल साइड है वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है। और जब ये उसकी बात करें आप मेडुसी की, तो वो इन्वर्टेड है, उल्टे हैं, उनका जो एबोरल साइड है वो ऊपर की तरफ है और जो माउथ है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स को मजीद आगे डिटेल के साथ आगे चल के देखेंगे। और अगर आप देखें तो यहाँ से जो मेडुसी जो पॉलिप है वो मोस्ट ऑफ टाइम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और उससे मेडुसी बनते हैं, पैदा होते हैं। और जो आपको ये सेक्सुअल स्टेज मिलती है इनकी, वो गैमेट्स के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसको हम सेक्सुअल स्टेज बोलते हैं मेडुसी को, ठीक है। अब ये तो इनके आ गए फर्क। इनके अंदर आपको न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स मिलते हैं, ठीक है, यानी कि वो फैगोसाइटोस भी करते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनके अंदर चूंकि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एक स्केलेटन बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। जब एक साइड के ये अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल जो वो पॉलिप है वो एक साइड पे झुक जाएगा, ठीक है। जैसे आप मैंने आपको बताया कि ये वैरायटी ऑफ लोकोमोशन शो करते हैं, जैसे कि समर सॉल्टिंग मूवमेंट्स हो गई, ठीक है, इस तरह ये इंचवर्म लाइक मूवमेंट भी ये शो करते हैं, ग्लाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, जो मेडुसी हैं ये तो स्विम करेंगे ना और फ्लोट भी करेंगे। ये जो इनके अंदर नर्व सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि नर्वस सिस्टम डेवलप किस तरह से हुआ, ठीक है। फिर जो बिलो द एपिडर्मिस यानी कि फर्स्ट लेयर ऑफ बॉडी जो है उसके अंदर ही उसके नीचे टू डायमेंशनल इनका नर्व नेट मिल जाता है आपको, और कोई डायरेक्शन नहीं है इसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व इम्पल्स की कोई डायरेक्शन नहीं है। एक आप अगर एक जगह पे नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही है तो वो पूरी बॉडी के अंदर वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेगी, ठीक है। और चूंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि साइज छोटा है इनका, इसलिए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की ज़्यादा है, इसलिए ये इनके अंदर डिफ्यूजन के जरिए से ही हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है सर्कुलेशन के लिहाज से, ठीक है। आपको ज़्यादातर नाइडेरियंस डायोशियस मिलेंगे। डायोशियस का मतलब ये है एक अगर इंडिविजुअल है वो या तो मेल है या फीमेल। आगे आपको इनके अंदर ब्लास्टुला स्टेज मिलती है अर्ली डेवलपमेंट के अंदर, और इनके अंदर आपको मुख्तलिफ टाइप के लार्वा मिलते हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे मैं चलता जाऊंगा मैं बताता जाऊंगा। एक जो लंबा सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा होता है नाइडेरियंस के अंदर, उनको हम कहते हैं प्लानुला लार्वा बोलते हैं, ठीक है। और ये जब बैठ जाएगा एक जगह पे और फिर ग्रो करेगा, इससे बडिंग के जरिए से मेडुसी पैदा होंगी और वो फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके दोबारा से एक पॉलिप को जन्म दे देंगे, ठीक है। और अब आगे चलते हैं हाइड्रोजोआ के बारे में, क्लास हाइड्रोजोआ के बारे में। तो क्लास हाइड्रोजोआ जो है, सॉरी मैंने आपको स्पीशीज नहीं बताई, इनकी टोटल 9000 के करीब इनकी स्पीशीज हैं नाइडेरियंस की। अच्छा, और ये जो क्लास हाइड्रोजोआ है कि आप में आपको इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगी, ठीक है। कुछ के अंदर मेडुसी स्टेज खत्म है और कुछ के अंदर जो है वो प्लानुला स्टेज जो है वो बड़ी या पॉलिप स्टेज जो है वो बड़ी छोटी सी है। इनके अंदर आपको नोमेटोसिस्ट सिर्फ एपिडर्मिस के अंदर मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि गैमेट्स इनकी बॉडी के बाहर की तरफ बनते हैं, बाकी जितने भी हैं सबके अंदर, यानी कि गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर गैमेट्स बनते हैं। ये इनके दरमियान फर्क है, इनका फर्क है बाकी ग्रुप से, बाकी क्लासेस से। अच्छा, मेसोग्लिया जो है इनका ए सेलुलर है, कोई सेलुलर मटीरियल इनके अंदर आपको नहीं मिलेगा, जबकि बाकियों के अंदर आपको मेसेनकाइम मिल जाता है। अच्छा, और ये कॉलोनियल पॉलिप्स हैं,
कॉलोनी बना के रहते हैं, जैसे कि ओबिलिया है, फाइसिलिया है, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर आपको ना जोइड्स मिलते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म नाइडेरियंस के अंदर कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे होते हैं, तो वहां पे जो काम होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल सेल्स या इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं किसी भी कॉलोनी के, उसको हम बोलते हैं जोइड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो जो फीडिंग के लिए अडेप्टेड होंगे या फीडिंग के लिए बने हुए होंगे जोइड्स, उनको हम गैस्ट्रोजोइड्स बोलेंगे या फिर हाइड्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होंगे उनको हम गोनोजोइड्स बोलेंगे। कॉलोनी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जिनके टेंटिकल्स हैं ये हाइड्रेंथ हैं, यानी कि गैस्ट्रोजोइड्स हैं, फीडिंग के अंदर यूज हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वहां पे जो पॉलिप है उससे बडिंग हो रही है और मेड्यूसी पैदा हो रही है, ठीक है। तो वहां पे ये गोनोजोइड्स या गोनेंजियम उनको बोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉलिप है उसने अपने इर्द गिर्द प्रोटीन का या काइटीन का एक स्केलेटन सिक्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इस स्केलेटन को हम बोलते हैं पेरिसार। ये ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है पर्पल के ऊपर, इसको हम बोलते हैं पेरिसार। और इससे मेड्यूसी स्टेट बन रही है, और मेड्यूसी जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके दोबारा से प्लानुला बना रही है, और प्लानुला से आगे पॉलिप स्टेट जो है वो दोबारा से बन रही है। गोनियोनेमेस को यहाँ पे देखें आप, तो इनके अंदर जो डिफरेंट चीज है वो है वेलम, ठीक है। ये हैं इसके मार्जिन्स, ठीक है। ये इसके मार्जिन है, मार्जिन से इनके टेंटिकल्स नीचे लटक रहे हैं। मार्जिन अंदर की तरफ एक पर्दे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एक फ्लैशी स्ट्रक्चर है जो कि नीचे को लटक रहा है, इसको हम बोलते हैं मैनुब्रियम, ठीक है। उसके दूसरे एंड पे माउथ होता है। मैनुब्रियम से आगे रेडियल कैनाल्स निकल रही हैं, ये आप देख सकते हैं रेडियल कैनाल्स। और इसके बाहर की तरफ ही ओवरीज आप देख सकते हैं, जैसे कि ये उनको हम फीमेल गोनेड्स बोल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखें तो आपको टेंटिकल के ऊपर यहाँ पे खास किस्म के स्ट्रक्चर हैं जिनको हम बोलते हैं एडहेसिव पैड्स, ठीक है। ये एडहेसिव पैड्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको, ठीक है। ये एडहेसिव पैड्स हैं रॉक्स के साथ, किसी प्रे के साथ ये जुड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नर्व रिंग, ये देखिए आप, ये नर्व रिंग है, ये रिंग कैनाल के साथ, ये जो जहाँ पे वेलम है यहाँ पे ही एक नर्व रिंग है जो कि पूरे के पूरे जो मार्जिन है उसको सराउंड करता है और नर्व सप्लाई का काम यहाँ पे करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको इनके अंदर ही स्टेटो सिस्ट का स्ट्रक्चर मिलता है। स्टेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर आगे अगर हम जाएंगे आपको अर्थवर्म के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे उसको ज्यादा समझना आसान होगा। स्टेटोसिस्ट इसी तरह के स्ट्रक्चर है जिस तरह आपके कानों के अंदर होते हैं और बैलेंस सिस्टम बनाते हैं आपका, ठीक है। आप वहां पे उसको जोलॉजी सी के अंदर भी देख सकते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर। अच्छा, अब हाइड्रा को देखते हैं। तो हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर हाइड्रोजोन, ठीक है। ये फ्रेश वाटर हाइड्रोजोन है और इसके अंदर मेड्यूसी स्टेज नहीं है। ये बड़ा ही अनयूजुअल किस्म का एक हाइड्रोजोन है। उसकी वजह ये है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। पॉलिप स्टेज है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, इसलिए ये एक अनोखा किस्म का हाइड्रोजोन आ जाता है, ठीक है। इनके अंदर टेस्टिकल्स हैं, वो कॉनिकल एलिवेशंस हैं, एपिडर्मिस के अंदर ही होंगी, ठीक है। हाइड्रोजोन जितने भी हैं सबके जितने भी जो गोनेड्स बनेंगे वो एपिडर्मल रीजन के होंगे। अच्छा, लार्ज जो ओशियनिक हाइड्रोजोन्स हैं वो ऑर्डर साइफोनोफोरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके जो पॉलिप्स होते हैं उनको डक्टलोजाइट्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लार्ज पॉलिप्स हैं, ठीक है। और सिंगल लॉन्ग
टेंटिकल होता है जो कि लिडोसाइट्स हैं और वो कैप्चरिंग स्ट्रक्चर के तौर पर काम करेंगे इनके अंदर। आगे आ जाते जी क्लास स्टोरोजोआ, ठीक है। स्टोरोजोआ पहले स्किफोजोआ का ऑर्डर था, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर कुछ 100 के करीब स्पीशीज हैं और इसको अलग से निकाल के बना दिया गया हुआ है ऑर्डर, उसका इसको क्लास बना दी है फाइलम नाइडेकिया, ठीक है। इसके अंदर आपको ना इसकी जो शक्ल है वो गोबलेट की तरह की है, गोबलेट स्ट्रक्चर कहते हैं जिस तरह वाइन ग्लास वगैरह होते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देखें, ठीक है। तो ये इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और ये आगे इसका ये इसके मार्जिन्स हैं। आपको मार्जिन्स के ऊपर 8 टेंटिकल्स मिलते हैं और सारे के सारे टेंटिकल्स क्लस्टर की शक्ल के अंदर होते हैं, ठीक है, लेकिन यानी कि 8 क्लस्टर ऑफ टेंटिकल्स मिलते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन सेलिएटेड क्रॉलिंग प्लानुला बनाएगा इसके अंदर, ठीक है, और फिर ये उसकी डिस्पर्सिंग एबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। अच्छा, फिर आगे आ रही थी क्लास साइफोजोआ, ठीक है, जो ये सी है उसको भी हम सॉफ्ट वॉवल में पढ़ेंगे। साइफोजोआ आ जाता है, इसको हम ट्रू जेलीज कहते हैं। ट्रू जेलीज क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल है इसके अंदर जो डोमिनेंट स्टेज है, जो मोस्ट ऑब्वियस स्टेज है, वो मेडुसी है, ठीक है, इसलिए हम इनको ट्रू जेलीज बोलते हैं। इनके अंदर आपको वेलम नहीं मिलेगा, ठीक है, और मेसोग्लिया के अंदर अमीबॉइड मेसेनकाइम सेल्स हैं, ठीक है, और कुछ स्टिंगिंग भी करते हैं इनके अंदर, जैसे कि सो कॉल्ड स्टिंगिंग नेटल बोलते हैं जिसको हम, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो मेस्टिडियस और क्वीन की सीरा आ जाता है, और ऑरेलिया इसकी एक टिपिकल एग्जांपल। आपको इसके मार्जिन्स में नोचेस मिलेंगे, हर नोच के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम रफेलिया कहते हैं, रफेलिया का स्ट्रक्चर हम बाद में देखते हैं। अभी आपको यहाँ पे 4 फ्लैशी लॉब्स हैं, 4 फ्लैशी लॉब्स जिनको हम ओरल लॉब्स कहते हैं। इसके साथ ही आपको गैस्ट्रिक पाउचेस मिलते हैं, गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर गैस्ट्रिक फिलामेंट्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडियल कैनाल्स हैं। ये जो रेडियल कैनाल्स हैं ये जो कुछ भी अब्सॉर्ब करेंगी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से उसको ये कैरी करेंगे टुवर्ड्स अ मार्जिन। हर नोच के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम रोफेलिया बोलते हैं। रोफेलिया के अंदर आपको फोटो रिसेप्टर है, एक ओसिलस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कीमो रिसेप्टर्स भी आ रहते हैं जो अल्फा एक्शन का काम करते हैं। रोफेलियन लेपर्ड्स हैं जो कि सेंसरी रिसेप्शन का काम करते हैं, और दरमियान में आपको स्टेटोसिस्ट मिलता है जो कि आपको अगेन पोजिशन के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है। प्लांकटोन फीडर है जी, जो प्लानुला स्टेज है इसकी वो एक पाइल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिला, ठीक है, ये स्ट्रोबिला आ गया। स्ट्रोबिला से छोटी छोटी मिनिएचर मेडुसी बन के उतरती रहती हैं और उनको हम बोलते हैं इफायरी। इफायरी आगे डेवलप हो जाएंगी मुकम्मल एक जेलीफिश के अंदर, की जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसके अंदर साइफिस्टोमा, प्लानोला और फिर स्ट्रोबिला आता है और स्ट्रोबिला से फिर फायरी बनते चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे आ जाती है क्लास एंथोजोआ, इनके अंदर आपको फेरेंक्स मिलता है, ठीक है, मेजेंट्रीज हैं आपस में अरेंज होके दरमियान में कैविटी से बना लेते हैं जिसको हम फेरेंक्स बोलते हैं, ठीक है, और ये क्या है कि ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के तरफ ले जाता है आगे, ठीक है। मेसेंट्रीज मिलती हैं इनके अंदर आपको, और इनके अंदर मेसोग्लिया के अंदर आपको अमीबॉइड मेसेनकाइम सेल्स मिलते हैं, ठीक है। आगे इसका स्ट्रक्चर डायरेक्टली देख लेते हैं, ये इसकी मेसेंट्रीज हैं अंदर, और ये मेसेंट्रीज 2 तरह की हैं, कुछ वो हैं जो इधर एक साइड से बॉडी वॉल से अटैच है, दूसरी तरफ से वो फेरिंग्स के साथ अटैच हैं, कुछ यो हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी वॉल के साथ अटैच हैं और फ्री हैं। ये दरमियान में क्या बन रहा है, ये ऊपर वाली जो डिस्क है उसको हम ओरल डिस्क बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाली जो है वो पेडल डिस्क है या पीटल डिस्क बोलेंगे, ठीक है, दरमियान में जो ये कैविटी है उसको हम माउथ बोलेंगे, और ये फेरेंक्स है, और फेरेंक्स आगे जा रहा है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो इसका जो माउथ है वो कवर्ड है बाय मीन्स ऑफ ओरल टेंटिकल्स, ठीक है,
अब होता क्या है कि ये जब इसको छेड़ा जाता है तो ये अपना अपना जो माउथ है या फेरेंक्स है इसको अपनी पूरी बॉडी के ऊपर चढ़ा देता है, ठीक है। तो ये उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है। अच्छा, प्रोटेंट्री इनके अंदर भी आपको मिलेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह से करते हैं कि पीडल जो इनका पीडल डिस्क है वो टूटेगी और उससे पूरे का पूरा इंडिविजुअल जो है वो बन जाएगा, इसलिए हम इसको पीडल लेसरेशन बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट्स और फिश वगैरह ये खाते पीते रहते हैं। अच्छा, मोनोएशियस भी मिलेंगे आपको, डायएशियस भी मिलेंगे। अगर ये मोनोएशियस होंगे तो प्रोटेंट्री मिलेगी इनके अंदर आपको, वो आप जानते हैं अगर आपने इसी के बारे में देखा था कि ये क्या चीज होते हैं। हाँ जी, कुछ जो आपको नाइडेरियंस मिलते हैं उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो माइक्रोस्कोपिक अल्गा के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ज़ूज़ेंथेली, ठीक है। ये ज़ूज़ेंथेली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ज़ूज़ेंथेली यहाँ इनकी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे और इनको ऑर्गेनिक मटीरियल के साथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और ये इस तरह से इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है। अच्छा जी, तो आगे फिर अगला फाइलम आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलम टीनोफोरा। इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कंसिडर करते हैं क्योंकि जो लेयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म है दैट इज कंसिडर्ड सेलुलर, ठीक है, और उसको टिश्यू की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, कुछ इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। तो 90 के करीब इसकी स्पीशीज हैं। बायरेडियल सिमेट्री है, बायरेडियल, पेंटारेडियल, ये चीजें क्या होती हैं ये आपको इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। और जिलेटिनस मेसोग्लिया इनके अंदर आपको मिलेगा। टू मसल सेल्स इनके अंदर डेवलप हो चुके हुए हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके अंदर आपको मिलेगी, लेकिन आपको इनके अंदर एनएसपी मिलता है, ठीक है, वाटर को बैलेंस करने के लिए यूज हो रहा है वो। नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नट नट है इनमें। एडहेसिव स्ट्रक्चर्स जिनको हम कोलोब्लास्ट बोलते हैं वो भी इनके अंदर आपको मिलेंगे। इनकी जो डिफरेंट करेक्टर है वो है कॉम्ब रोज, 8 स्ट्रक्चर इनके अंदर आपको रोज मिलती हैं, कॉम्ब रोज, यानी कि 4 ये इधर आपको नजर आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, और 4 जो है वो दूसरी साइड पे आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। और 1 pair of इनके अंदर टेंटिकल मिलेंगे जिनके जरिए से ये मूव करेंगे, ठीक है। आपको इनका माउथ भी नजर आ रहा है और दूसरी तरफ से इनका एनल पोर भी नजर आ रहा है। एनल पोर के ऊपर स्टेटोसिस है जो कि बैलेंसिंग स्ट्रक्चर के तौर पे यहाँ पे इनको हम बोलेंगे, ठीक है। इसकी बड़ी टिपिकल एग्जांपल है ल्यूरोब्रांकिया, इसको सफेरिकल या ओवॉइड भी हम बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट है, अंधेरे में इनकी आपको कॉम्ब रोज ही चमकती हुई नजर आएंगी, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उनके अंदर से लाइट भी हम गुजर जाती है, ठीक है। ऑरल और बोरल पोर्स हैं,